दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड की हर जगह ज़रूरत पड़ती है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आपको सर्च बार में सर्च करना होगा UIDAI, यह आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप गेट आधार में नीचे देखिएगा, यहाँ पर डाउनलोड आधार लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा। आपको यहाँ अपना 12 अंकों का आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। चलिए, आधार नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ अपना आधार नंबर डाल दिया है। आप यहाँ पर टिक कर लें, आई वांट ए मास्क आधार। आपको बॉक्स में कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, आपको इस कैप्चा को सेम उसी तरह भरना है जैसा ये लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर और कैपिटल में। FY। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, जिसमें आपने आधार कार्ड अपना बनवाया होगा, उसमें आपने जो नंबर रजिस्टर करवाया होगा, उस पर एक OTP जाएगा 6 अंकों का। आप मैसेज बॉक्स में जाके उसे देख लेना, आपको 6 अंकों का OTP मिल जाएगा वहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। मेरे नंबर पे वहाँ OTP आ चुका है। मैं आपको OTP दिखाता हूँ कि कैसे आता है। देखिए, मैंने ये नंबर दिया था और ये रजिस्टर करवाया था, तो मेरे इसी नंबर पे OTP आया है। अभी मैं इस OTP को फिल कर दूँगा। आपको सही OTP डालना होगा, कोई गड़बड़ नहीं करनी होगी। मैंने OTP डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ एक सर्वे पूछा जाएगा, आपको ये सर्वे पूरा करना होगा। यहाँ पर आपको लिखा होगा व्हेन डिड यू एनरोल फॉर आधार। आपको यहाँ कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी होगी, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, किसी पे भी टिक कर दीजिए आप। दूसरे में भी आपको ऐसा ही करना होगा, यस और नो। मैंने यस पे क्लिक कर दिया है। तीसरे ऑप्शन में भी आप यस और नो कर सकते हैं, मैंने यहाँ भी यस कर दिया है। चौथे ऑप्शन में भी आपको कोई दोनों में से ले लेना है। आप इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 6 में भी आप ऐसे ही कर दीजिए, 7 में को अभी ऐसे ही कर दीजिए आप, 8वीं ऑप्शन में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, आप जल्दी जल्दी से टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ एक्शन पूछी जाएगी, कंप्लीट एक्शन। आप इसे क्रोम पे क्लिक कर दीजिए और जस्ट वंस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड ओपन होगा। आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका होगा, आप इसे फाइल में जाके निकाल लीजिए। आपको ड्राइव PDF व्यूअर पे क्लिक करना होगा। आपके ड्राइव में ये आधार कार्ड खोलेगा। दोस्तों, आपके आधार कार्ड का पासवर्ड वही होगा जो आपका नाम होगा। आपके नाम के पहले 4 अक्षर कैपिटल लेटर में होने चाहिए और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी सिर्फ ईयर वाली। तो मैं यहाँ पर अपना वो डाल देता हूँ जो मेरा नाम है। पहले 4 कैपिटल अक्षर होने चाहिए नाम के, उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी जो कि सन वाली होगी। जैसे आपका अगर 1999 है तो आप 1999 डाल सकते हैं, या फिर 2000 है तो सिर्फ 2000 ही डालना है आपको। आपको डेट और मंथ नहीं डालना है, आपको सिर्फ
सन डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपका आधार कार्ड आधार इस तरह खुला होगा। इस तरह आप आधार कार्ड अपना घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको ड्राइव में सेव कर लीजिए।